हाय गाइस, स्वागत है आपका ऑफिशियल ब्लॉग उदयपुर में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जयपुर से इन शहरों तक दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन। जानिए क्या है रेलवे का स्पेशल प्लान। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, वीडियो पूरी देखना, वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही जानकारी पूर्ण न्यू वीडियो लाते रहेंगे, आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। तो गाइस, वीडियो अब शुरू करते हैं। वंदे भारत ट्रेन जयपुर भारतीय रेलवे इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सभी रेलवे जोन को आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में देश भर में लगभग 200 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने की योजना है। उत्तर पश्चिम रेलवे के हिस्से में शुरुआती दौर में अभी तक 5 नई ट्रेनें आई हैं। रेलवे ने इन ट्रेनों के संभावित रूट का खाका भी पूरी तरह तैयार कर लिया है। फिलहाल रैक से लेकर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के काम में तेजी लाई गई है। बता दें कि उत्तर पश्चिम रेलवे का यह मानना है कि 2023 तक ये ट्रेन जयपुर, दिल्ली और जोधपुर के बीच दौड़नी शुरू हो जाएंगी। तमाम सुविधाओं के साथ इस ट्रेन में यात्रा करना काफी दिलचस्प होगा। बहुत जल्द ही जयपुर से जोधपुर के बीच इसके ट्रायल रन की डेट भी सामने आने वाली है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ ही महीनों में ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ेंगी और हवा से बातें करती हुई देखी जाएंगी। इन रूटों पर होगा संचालन। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 5 नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद से ही राजस्थान में कौन से रूट पर सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन चलेगी, इसे लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर पश्चिमी रेलवे के प्रारंभिक स्तर के संभावित प्लान के तहत राजस्थान में जयपुर, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और जयपुर से कोटा के बीच वंदे भारत ट्रेनों का संचालन करने की योजना बनाई जा रही है। मेंटेनेंस डिपो का काम शुरू। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में जयपुर, श्रीगंगानगर, अजमेर, उदयपुर और जोधपुर में मेंटेनेंस डिपो विकसित करने की तैयारी है। बता दें कि राजस्थान में जयपुर रिंगस रूट पर 1,000 करोड़ रुपए की लागत से मेमू मेंटेनेंस डिपो लगभग तैयार हो चुका है। वंदे भारत को लेकर मेंटेनेंस डिपो बनाने का काम भी प्रारंभ हो चुका है। वंदे भारत को भारत की सेमी बुलेट ट्रेन भी कहा जाता है। इससे सफर में औसतन 1 घंटे के समय की बचत होगी। हालांकि इसका किराया दूसरी ट्रेनों के मुकाबले महंगा रहता है। ये भारत की स्वनिर्मित ट्रेन है जो आधुनिक संसाधनों के इस्तेमाल के साथ चला करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।